हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, और जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखिए, आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं। अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, तभी आइसोमेरिज्म की बात होगी। इसलिए इस पर हमने स्टार दिया है, सेम क्या होना चाहिए, मॉलिकुलर फार्मूला। नाउ डिफरेंट क्या होगा, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, या दोनों हो सकती हैं, राइट। एटलीस्ट कोई एक तो डिफरेंट होना चाहिए, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी एक डिफरेंट हो गया तो आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। बट द कंडीशन इज मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में कम्प्लीटली। इसलिए अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है स्ट्रक्चरल, उसी का नाम स्केलेटल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, या लिंकेज, ये सब उसी के नेम है। और दूसरा होता है स्टीरियो या फिर कॉन्फिगुरेशनल, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करना है। इसके टोटल 6 टाइप हैं। एक होता है चेन आइसोमर, दूसरा पोजिशन आइसोमर, तीसरा फंक्शनल आइसोमर, चौथा मेटामर, पांचवा टॉटोमर और छठा रिंग चेन। तो ये टोटल 6 टाइप को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा जिससे आप इजीली याद रख सकते हो। एक पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है वो ये कि अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम है तो आइसोमेरिज्म तो शो करेगा, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा टाइप शो कर रहा हो तो उसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तो सबसे पहले टॉटोमर को। अगर दो मॉलिक्यूल में कंपेरिजन कर रहे हो तो टॉटोमर को आपको प्रायोरिटी देना है, टॉटोमर के बाद फिर फंक्शनल को, फिर मेटामर को। ये ध्यान रखना, अगर दो मॉलिक्यूल फंक्शनल भी शो कर रहा है, मेटामर भी शो कर रहा है, तो प्रायोरिटी किसको दे देना है, फंक्शनल को। ओके, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। और कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मॉलिक्यूल चैन भी शो करे, या पोजिशन आइसोमर या रिंग चैन, ये कभी नहीं हो सकता, राइट। ऑलवेज जो चैन आइसोमर शो करेगा वो पी आई या आरसी नहीं शो कर सकता है, जो पी आई शो करेगा वो चैन आइसोमर नहीं। इसलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हो सकता है कि फंक्शनल भी शो करे, मेटामर भी, तो इन दैट केस फंक्शनल को आपको प्रायोरिटी देना है। तो अब मैं ये 6 को अपने ट्रिक से डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाउ स्ट्रक्चरल में तीन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एक है चेन आइसोमर, एक है पोजिशन और एक है फंक्शनल। तीनों को अच्छे समझ लो, सब पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, चेन आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है, सेम क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला, ये तो सेम होना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या सेम होंगे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो सब नेचर सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा इसमें, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, डैट्स ओके फाइन। कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होगी, आइदर मेन चेन या पेरेंट चेन या साइड चेन, वो अगर डिफरेंट हो गए तो इसलिए इसका नाम पड़ा चेन आइसोमर। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही नाम पड़ा है, राइट। चेन डिफरेंट है इसलिए चेन आइसोमर। एग्जांपल जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मेन चेन 4 कार्बन की है, राइट, या पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, साइड चेन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3 मेन चेन 3 कार्बन के, तो मेन चेन में चेंजेज आ गया, राइट, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर, क्लियर है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, तो अगेन नेम से क्लियर है, सेम क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला, वो तो सेम होना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेन चेन भी सेम होगी, ध्यान दें, साइड चेन भी सेम होंगी, इस पॉइंट पे ध्यान दें, मेन चेन और साइड चेन ये भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही पड़ेगा। तो डिफरेंट क्या होगा, आईयूपैक नेम, वो तो ठीक है, डिफरेंट लोकेशन या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए नाम पड़ा पोजीशन। सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लोकेशन पर होंगे, डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, इसलिए नाम पड़ा पोजिशनल आइसोमर। और कैसे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो 1, 2 पोजीशन पे, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 पोजीशन पे। बाकी चीज़ चेक करो कैसे, देखो मेन चेन सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, यस 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेन है ही नहीं, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, डिफरेंट क्या हो रहा है, लोकेशन। तो इसलिए ये पॉइंट को ध्यान देना, मेन चेन और साइड चेन सेम होना चाहिए पोजीशन में, सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये हो गया आपका पोजीशन। तीसरा है फंक्शनल, तो ये सबसे ईजी है, इसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए ईजिली पहचान सकते हैं, आईयूपैक नेम तो डिफरेंट होगा ही, राइट। और ये चीज़ें जो है वो फिक्स हैं, जैसे अल्कोहल का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, ईथर से, अल्कोहल एंड ईथर विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट।
वैसे ही अल्डिहाइड का कीटोन से, एसिड का एस्टर से, साइनाइड का आइसोसाइनाइड से, ये सब सम ऑफ द एग्जांपल हैं, फिक्स हैं, राइट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे ईथर, मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, 1, 2, 3 कार्बन है, 1, 2, 3 कार्बन है, राइट। तो यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ईथर है, इसलिए ये एक दूसरे क्या हो गए, फंक्शनल हो गए। तो इन तीनों में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, और ऐसा कभी नहीं होगा कि जो चेन आइसोमर शो कर रहा है वो पोजिशन शो करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, फंक्शनल आइसोमर को प्रायोरिटी देंगे, वो ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मेटामर। तो मेटामर के लिए अगेन सेम मॉलिकुलर फार्मूला तो होना चाहिए, वो तो सब में सेम चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा? तो देखो, मेटामर शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन हम अटैच कर पाएँ। इसलिए ईथर शो कर सकता है, अल्कोहल नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि एक साइड में ऑक्सीजन के हेच फिक्स है, राइट। तो इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए जिसका दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो, या फिर एस्टर वगैरह शो कर सकते हैं, राइट। फिर एसिड नहीं शो कर सकता, क्यों? क्योंकि हेच फिक्स है, राइट। सिमिलरली अमाइंस में ये शो कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल हैं बाई फंक्शनल ग्रुप, इसलिए स्टार दिया फिक्स है कि नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, डिफरेंट होगा, इसलिए बाई फंक्शनल ग्रुप ही शो कर सकता है, राइट। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, वो तो सब में सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे गलती होती है मेटामर में, ध्यान देना कि आपको चेक कैसे करना है, जो भी बाई फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट को लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट से कि वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, और राइट वाले को राइट से वो डिफरेंट हो रहा है कि नहीं। दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, अगर कोई ही एक ही एट ए टाइम हो रहा है तो फिर उसको आप मेटामर नहीं बोलेंगे। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो ये शो कर सकता है क्योंकि बाई फंक्शनल ग्रुप है, पहली पहचान तो यही हो गई। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस साइड में एक कार्बन है, अगर इसको मैं राइट साइड मार रहा हूँ तो, और ये लेफ्ट साइड में 4 कार्बन है, राइट। अब इस पे आ जाओ तो ये है, इसके राइट साइड में 2 कार्बन है और लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, टोटल 415325। तो इसलिए 1 और 2 में अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखो, लेफ्ट को लेफ्ट से कंपेयर करने का क्या मतलब है, ये इसका लेफ्ट में 4 कार्बन, इधर 3, चेंज हो गया, डिफरेंट। राइट में 1 है, इधर 2, ये भी चेंज हो गए, दोनों एट ए टाइम होना चाहिए, इसलिए 1 और 2 को हम बोलेंगे मेटामर है। अब ध्यान से देखो, एक और हमने लिखा है सेम, ये है इधर राइट हो गया, राइट में 2 कार्बन है, इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में 3 कार्बन तो है लेकिन वो एक साथ नहीं है ब्रांचिंग में। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखो, राइट में इधर 2 और इधर भी राइट में 2, सेम हो गए, तो राइट वाला डिफरेंट नहीं हुआ, इसलिए अब आप 2 और 3 को मेटामर नहीं बोल सकते, यही पॉइंट है, क्योंकि इधर इधर सेम हो गया। तो क्या चेंजेज हुआ ध्यान से देखो, तो इधर 1 नंबर कार्बन पे ही ऑक्सीजन है, इधर क्या होगा 1, 2 पे पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो क्या होंगे, PI होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट से कंपेयर करना है, राइट का राइट से, और दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए। 2 और 3 में राइट राइट सेम हो रहा है, इसलिए मेटामर तो हो ही नहीं सकता वो। सिमिलरली अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करूँ तो 1 में राइट में 1 है, राइट में 2, चेंज हो गया, लेफ्ट में 4 है, लेफ्ट में 3, चेंज हो गया, इसलिए चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, मेटामर। तो इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपको मेटामरिज्म समझाने के लिए। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म, और डैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल सा ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे किसी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं। तो वेरी सिंपल है, YZ यहाँ पे लिखा है, डैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट डैट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी चलेगा, डैट मीन्स पाई बॉन्ड होना चाहिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, और इससे जो एलिमेंट अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, चाहे इससे हो या उससे हो, दोनों से चल सकता है, मैंने एक ही साइड दिखाया, उधर से भी हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पहचान है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए। करना क्या है, तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2, इसको 3, तो 3 पर वाले जो हाइड्रोजन है उसको 1 पे पहुँचा देना है, और 1, 2 के बीच का डबल बॉन्ड को 2, 3 में। तो ध्यान से देखो, ये आपका 1 था, ये 2, ये 3, तो जो 1, 2 के बीच डबल बॉन्ड था वो 2, 3 के बीच आ गया, और जो 3 पर हाइड्रोजन था वो 1 पे आ गया, तो इसको बोलते हैं टॉटोमर्स।
समझ गए बात। और ऑलवेज डबल एरो से दिखाएंगे, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और ये हमें पढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सी डबल बॉन्ड हो, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला कंडीशन हो गया। इसके बगल में इधर ये कार्बन है और sp3 हाइड्रोजन है, इसके पास बाय द वे दो दो हाइड्रोजन है, इधर भी है, बट ये वाला ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेंगे तो ये ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन को मैं क्या करूँगा, यहाँ भेज दूँगा। तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इनॉल कॉन्टेंट होगा। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन है डबल बॉन्ड और ऑल है अल्कोहल, तो इनॉल बोलते हैं, और ये कीटो है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि ये ज़्यादा अमाउंट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक सिक्स मेंबर रिंग बन रही है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से देखो, एक ये डॉट डॉट करके दिखाया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, फोन वर्ड से आपको याद करवाया हुआ है। फिर ये एक बॉन्ड है दो, ये एक तीन, ये एक चार, ये एक पाँच, ये एक छः, तो ऑलवेज फाइव या सिक्स मेंबर रिंग बनना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि इनॉल कॉन्टेंट ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होने की वजह से इससे ज़्यादा अमाउंट में ये बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल। तो वेरी सिंपल है पहचानना और बनाना, और कौन कितने अमाउंट में होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्ड हो, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए, उसके बगल में ये एलिमेंट है, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके पास हाइड्रोजन बाय द वे दो हैं, इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान से देखो तो sp2 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इधर होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं बना दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ वाला हाइड्रोजन इस पे, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। और ध्यान से देखो तो ये एरोमेटिक भी हो गया, तो अगर एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जा रहा है तो 99% फिर तो यही होंगे, इसलिए मैंने बड़ा एरो दिखाया कि यही सबसे ज़्यादा बन जाएगा, बैक में आने के इसके चांसेस वेरी लेस रहेंगे। इसलिए कहीं पर अगर ये कंपाउंड बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो आपको फर्दर ये बना देना है, समझ के बात, इम्पॉर्टेंट है। एक और होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेस टॉटोमर। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट ये दोनों कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आप ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग तो sp2 है, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे जाएंगे, अगर रेजोनेंस की कंडीशन बढ़ रही है, डबल सिंगल डबल, तो फिर आगे वाला ये कार्बन को चेक करेंगे, अगर कंजुगेशन में है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में, तो उसके बाद वाले कार्बन को हम देखेंगे, और ये कार्बन अगेन sp3 है, और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो पहले कैसे जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस टॉटोमर, हवा में हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फिर क्या होगा, फिर से फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आप चेंज करा रहे हो, तो इसको ऐसे ही रहने देना, पहले यहाँ का यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, और फिर उधर वाला तो यहाँ, और ये हो जाए, तो ये भी बाय द वे एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट ध्यान रखना, कभी ऐसा बन रहा है तो क्विकली आपको इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि 99% यही होंगे। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिया है, कहाँ पे होगा वो समझा दिया है, तो अच्छे से आप देख लो। एंड लास्ट डैट इज रिंग चेन, ये वेरी रेयर है, पूछा नहीं गया, बस समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब राइट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होना चाहिए डेफिनेटली, फंक्शनल ग्रुप ये सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होगा, रिंग और चेन पहचान में आ जाएगा, एक रिंग होने चाहिए डैट मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक ओपन स्ट्रक्चर, इसलिए रिंग चेन। IUPAC नेम तो डिफरेंट होगा ही, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वेरी सिंपल है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, 1, 2, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी 1, 2, 3 कार्बन, तो दोनों का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, C3H6। अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे, तीन कार्बन और दो दो हाइड्रोजन है इनके पास, तो वही आपका यहाँ भी एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बराबर है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया तो भी हो पाएगा, अगर ये होता तो नहीं हो पाता, क्यों, मॉलिकुलर फार्मूला अलग हो जाते, ये होता C3H8, ये थी C3H6 है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों देख के समझ में आ गया, एक रिंग है और एक चेन है, तो ये रिंग चेन आइसोमर है। वैसे एक और एग्जांपल, जैसे ये और ये हैं राइट, तो ये सिक्स मेंबर की एक रिंग है और ये सिक्स कार्बन का एक ही है, और दोनों का DU सेम है।
अब जरूरी नहीं कि यही हो, और भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, राइट। छः कार्बन ऐसे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये इनका इनके साथ रिलेशन, इनका इनके साथ रिंग चेन होगा। तो ये बेटा टोटल 6 जो स्ट्रक्चर थे उसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, टू द पॉइंट हमने बात किए। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया, 15 मिनट में वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया, इससे बाहर कुछ नहीं है, अच्छे से समझ लो। हेलो एवरीवन, कैसा काय? आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस टाइप के क्वेश्चन को, या नेमिंग से आने वाले डैट इज सिस या ट्रांस कौन होंगे, या ईजेड क्या होगा, राइट। नेमिंग ई का मतलब होता है एंटीजेन, उसका पहला लेटर लिया गया है। जेड का मतलब होता है जूसामेन, जिसका पहला लेटर जेड लिया गया है। या सिन एंटी नेमिंग कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लाइक किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कौन पोलर होंगे कौन नॉन पोलर होंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप इजीली कर लोगे। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो डैट इज एक्चुअली में स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशनल आइसोमर का एक पार्ट है ये। डैट मीन्स स्टीरियो आइसोमर बोलो या कन्फिग्रेशनल आइसोमर बोलो, ये दोनों एक ही बात है। और ये जो है वो दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जो आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझो कि स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशनल आइसोमर में क्या होगा, सबका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जब तक मॉलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगा हम इसकी बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उसका आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा सर? डिफरेंट ओनली लोकेशन होगा। लोकेशन किसका? तो जो भी एटम या ग्रुप होंगे उसका डिफरेंट लोकेशन होगा स्पेस में, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर या कन्फिग्रेशन आइसोमर। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है सर? तो उसके लिए कंडीशन यह है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे हो सकते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहाँ पे जीआई के चांसेस हैं, और जहाँ पे रिंग हो वहीं पे आपको चेक करना है। यही दो जगह पे पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इसमें जो डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है, जिसको मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल से समझाया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अगर डिस्टेंस मैं मेज़र करूँ, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर आता है, तो देखो यही सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, सेम आईयूपीएसी नेम, सब कुछ सेम है, बट अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होगा। तो डिफरेंट डिस्टेंस हो गए, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो रहा है तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही नहीं है, ये डिफरेंट है, डैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बताऊँगा। नाउ ट्रिक्स फॉर जीआई आइडेंटिफिकेशन। तो जीआई दो जगह शो हो सकते हैं, डबल बॉन्ड में। ध्यान दें, डबल बॉन्ड लिखा मतलब डबल बॉन्ड में ही, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या ट्रिक है कि दो एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जिन दो एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड है उस पर दो ग्रुप लगे होने चाहिए, राइट। और जैसे यहाँ पे सी एंड डी है और इधर ए और बी है, तो कंडीशन इज कि ये जो दो ग्रुप लगे हैं एक ही साइड वाले वो सेम नहीं होना चाहिए। ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे ही सी डी इक्वल नहीं होना चाहिए। ए सी इक्वल हो सकते हैं, बी डी इक्वल हो सकते हैं। ध्यान रहे, डबल बॉन्ड के एक ही साइड जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन या जो भी एलिमेंट है, तो वो दोनों ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड ये एक्स एंड वाई सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो और एक साथ आ रहे हो कंटिन्यूस में, तो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ 1 और 2 इवन नंबर है, तो उस केस में कोई जीआई नहीं होगा, चाहे कोई भी ग्रुप लगा लो। बट अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑड है क्योंकि 3 है, तो उस केस में अगेन सेम कंडीशन कि ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए एक ही साइड वाले, एंड सी एंड डी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी जीआई शो होगा। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर मैं रिंग में बात करूं, तो रिंग में क्या ट्रिक है कि रिंग में दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ध्यान दें, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जिन दो कार्बन पे हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ये भी क्लियर होना चाहिए, sp3 होना चाहिए जिन दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है। और अगेन ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, सी एंड डी इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये जीआई शो करेंगे।
अगेन एक से ज़्यादा रिंग अगर कंटिन्यूस आ रही हैं तो अगेन इवन होंगी तो जी आई शो नहीं करेगा, राइट। अगर ऑड होगा तो जी आई शो करेगा। कंडीशन अगेन सी डी इक्वल नहीं होना चाहिए, ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे ये तो शो नहीं करेगा, अगर मान लीजिए कि ये ए ए हो गया तो, राइट। बट द थिंग इज कि जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, तो ध्यान से देखो ये सी एच थ्री एच है, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी है, ये एच एच है, सी इक्वल टू डी हो गया, तो इसकी वजह से शो नहीं होगा। बट ध्यान से देखो तो ये वाला कंडीशन लग रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, ये सी एच थ्री है, ये कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन भी तीन बॉन्ड बनाया तो एक बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन, तो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो इसकी वजह से शो हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर तरीके से सर्च करना है, तो यहाँ पे जी आई शो होगा, यहाँ की वजह से नहीं होगा ये दो कॉर्नर वाले ग्रुप की वजह से, लेकिन इसकी वजह से हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है किसी भी एक की वजह से अगर हो गया तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जी आई शो करेंगे। तो अब मैं इस पर बेस्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ। नाउ एप्लीकेशन, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन जी आई शो करेगा या नहीं। तो ध्यान से देखो, ये पहले वाले को अगर मैं चेक करूँ तो ये दोनों क्या हो गया, हाइड्रोजन दोनों सेम हो गया, राइट, तो ये जी आई शो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये सी एच थ्री है, इधर कुछ नहीं है, तो एच बाय डिफॉल्ट कार्बन चार बॉन्ड बनाएंगे, तो जो नहीं दिखाया होगा वो हाइड्रोजन होगा, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होगा मिथाइल हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट होगा मिथाइल हाइड्रोजन, एक ही साइड सेम नहीं होना चाहिए, तो ये जी आई शो करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सी एच थ्री और एच डिफरेंट हो गए, राइट। यहाँ पे क्या होगा सर, तो ओ एच तो है और इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, लोन पेयर भी डिफरेंट काउंट किए जाते हैं, तो ये शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे और हाइड्रोजन, डिफरेंट हो गए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और हाइड्रोजन, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये शो करेंगे, और डबल बॉन्ड है, बस ऐसे आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो सी डबल बॉन्ड सी है, इधर आप देखें तो ऑक्सीजन आ रहा है, इधर देखें तो कार्बन, ये डिफरेंट हो गया, बस ऐसे आपको थिंक करना है। इधर भी ऑक्सीजन कार्बन तो डिफरेंट हो गए, तो इस साइड भी डिफरेंट है और इस साइड भी डिफरेंट है, तो ये जी आई शो करेंगे। सिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सी डबल बॉन्ड सी हो गए, राइट, इधर जाओगे तो कार्बन पे मिथाइल, इधर कार्बन पे, तो ये सेम हो गए, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से तो शो नहीं करेगा, क्योंकि इधर जो है ग्रुप वो सेम हो चुके हैं। बट अगर ध्यान से देखो सिर्फ इस रिंग की वजह से कंसीडर करें तो दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, sp3 है, राइट, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो शो कर जाएगा रिंग की वजह से, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जी आई शो करेगा। सेवन में एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूशन है, और बाय द वे दोनों सेम भी है, डिफरेंट भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। अगर सपोज करो कि इस टाइप से आपको देता ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो क्या ये शो करेगा, तो नहीं करेगा, क्यों, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हमें क्या चाहिए sp3 वाला, तो ये भी शो नहीं करेगा। ये शो करेगा अगर ऐसा करके दे दिया तो यस ये शो कर देंगे, क्यों, दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है और दोनों sp3 है, राइट, इधर डबल बॉन्ड है चलेगा, जो दिन दो कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है वो sp3 होना चाहिए, तो ये शो कर देंगे। तो इस टाइप से आपको समझना है। सिमिलरली एट में ध्यान से देखो तो ये तीन पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और ए नॉट इक्वल टू बी है, सी नॉट इक्वल टू डी, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं इवन वाले, तो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जी आई शो नहीं होगा। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है रिंग लगा करके, ध्यान दो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं CH3, 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 तो ये रिपल्सन की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे होंगे और फिर ये इसी प्लेन में होगी, तो डैट मीन्स ये और ये एक प्लेन में होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस और यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3 का डिफरेंस अभी ऐसे है, डैट मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन कि कम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दूं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे, मतलब जी आई शो करेगा। तो अगेन वही पॉइंट हो गया, तीन रिंग अगर और उस पर बल्कि ग्रुप लगे हो तो फिर ये इसी टाइप का कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे ये जी आई शो करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो दो डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, राइट, और डिफरेंट है, दूसरा कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड, ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन होगा, ये इधर एक ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो ये शो करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है बट ये दोनों मिथाइल मिथाइल सेम हो गए, तो ये शो नहीं करेगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना है, आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने ये एक कंडीशन लिया, राइट। तो ये एक्चुअली में ऐसे होंगे, ये बॉन्ड इस प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, फिर ये उसी प्लेन में आएंगे। तो आप देख सकते हो, तो ये जो और ये जो है, दोनों जो सामने वाले, इन दोनों का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। तो इसीलिए जब तीन या ऑड नंबर में पाई बॉन्ड एक साथ आएंगे तो वहाँ पे जीआई पॉसिबल है। दो होगा तो क्या डिस्टेंस होगी? तो ध्यान से देखो, ये दो वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की भी है। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूँ तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए इवन नंबर वाले में आपका जीआई पॉसिबल नहीं होता है। यही कंसेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हो, यही कंसेप्ट रिंग वाले में प्रैक्टिकल फिजिक्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेमिंग, तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के 180 पे एंटी पे आ रहे हैं, ट्रांस पोजिशन पे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। किसी भी एक से आपको पता लग सकता है, जैसे यहाँ पे भी ये ट्रांस पे है। यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप हैं वो सेम साइड आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। तो सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, तो ये सिस ट्रांस हुआ। अब जहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिमिलर ग्रुप एक भी नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे? तो ईजेड नेमिंग करेंगे। डैट मीन्स ईजेड हर जगह पे पॉसिबल है बट सिस ट्रांस हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। अब ईजेड कैसे करना है? तो ध्यान से देखो, एक ही साइड में इधर पहला एलिमेंट जो अटैच होगा कार्बन है या फ्लोरीन, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये वन हो गया और ये टू हो गया, ऐसे आपको कर लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, तो सेम हो गया। बट ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इसका क्या मतलब है? इसको आप हाइपोथेटिकली सोचेंगे तो यहाँ पे तीन कार्बन अटैच है, ऐसे आप सोचेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब दो कार्बन अटैच है। तो डेफिनेटली जब पहला एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं, और चूंकि यहाँ पे तीन तीन कार्बन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वन और ये टू। तो ध्यान से देखो, टू टू सेम साइड है या वन वन सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे जेड। और अगर अपोजिट साइड होता तो ई। तो वेरी सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही साइड में नंबरिंग करना है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि वो किस साइड आ रहा है। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एजो। इसमें हम लोन पेयर से चलेंगे, लोन पेयर सेम साइड होगा तो सिस, डेट मीन्स सिन बोलेंगे, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में होगा तो एंटी बोलेंगे। सिमिलरली ऑक्साइम के केस में सी डबल बॉन्ड एन वाले को ऑक्साइम बोलते हैं, उस पर OH लगा होना चाहिए, ये फिक्स है। तो ऑक्साइम के केस में हम कैसे करेंगे? तो अगर हाइड्रोजन हुआ कार्बन पे तो हाइड्रोजन और OH सेम साइड होगा तो सिन, और अगर हाइड्रोजन इधर नहीं है तो फिर किसको रेफरेंस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये नेमिंग का तरीका वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कार्बन से पहला एलिमेंट कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन, दो हाइड्रोजन सेम हो गए, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ क्लोरीन है यहाँ ब्रोमीन, तो ये वन हो जाएगा और ये आपका टू हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट ब्रोमीन है जबकि यहाँ कार्बन है, सबसे बड़ा जो एटॉमिक नंबर में होंगे उसको आप पकड़ेंगे, तो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो, वन वन अपोजिट साइड में आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? ई। बाय द वे ध्यान से देखो, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है और दोनों सेम साइड हैं, तो ये हो गए सिस। तो ध्यान रहे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई जेड। कुछ बच्चे सिस को जेड समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, इसमें अगर मुझे देखना हो तो पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन है तो और ऑक्सीजन है, तो ये वन हो जाएंगे, ये टू हो जाएंगे। इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो ये वन, और इधर कार्बन है तो ये टू। तो ध्यान से देखो, वन वन अपोजिट में है तो ई हो जाएगा आपको पहला एलिमेंट। अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाएगा तो फिर आगे एलिमेंट पर जाएंगे, जैसे इस केस में पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दूसरा इधर कार्बन है बिग वाला, जबकि इधर कौन है? ऑक्सीजन, तो ये वन हो जाएंगे, ये टू हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन, बट इसमें एक ड्यूटेरियम बड़ा है जबकि तीनों हाइड्रोजन, तो ये वन हो जाएंगे, ये टू हो जाएगा। तो वन वन सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा? जेड। सिमिलरली इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ये वन और ये टू। इधर देखेंगे तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन वन, क्योंकि इधर कार्बन है तो टू, तो वन वन अपोजिट में तो ई। तो ये चार एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा पहले एलिमेंट को पकड़ना है और कौन सा जो सबसे बड़ा है एटॉमिक नंबर में। अगर वो सेम हो जाता है तो फिर आगे एलिमेंट पे, वो सेम हो गया तो फिर आगे एलिमेंट पे, ऐसे करके ई जेड करना है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई जेड एंड सिन एंटी, इस बात का ध्यान रखना। नाउ ट्रिक्स फॉर
ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप एन निकाल लेंगे। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो जी आई, जिसको नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से भी बुलाते हैं, राइट? तो वो डबल बॉन्ड काउंट करना है या वो रिंग काउंट करना है। यहाँ पे नॉट ओनली डबल बॉन्ड, आप चाहो तो रिंग भी लिख सकते हो जिसके अबाउट वो जी आई शो करेगा, और उसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। और जब n आपको कैलकुलेट हो गया तो नंबर ऑफ़ जी आई कैसे देंगे, 2 की पावर n से। अगर आयुपैसी नेम डिफरेंट होगा दोनों साइड से, अगर आयुपैक नेम दोनों साइड से आप नेमिंग कर रहे हो और डिफरेंट आ रहा है तो डायरेक्ट 2 की पावर n। अगर दोनों साइड से नेमिंग कर रहे हैं और सेम आ रहा है, आयुपैक नेम सेम आ रहा है, तो फिर ये दो फार्मूले हैं। अगर n ऑड होगा तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, सो डैट कि ये एक नंबर इंटीजर आ जाए इसीलिए। सिमिलरली अगर n इवन होगा तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये इवन है तो ओवरऑल ये एक इंटीजर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब डबल बॉन्ड हो। तो रिंग के केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको कैसे करना चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जैसे एक एग्जांपल लिया इसमें, तो इसमें ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड जी आई शो नहीं करेगा, तो इसको काउंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये शो करेगा और ये भी शो करेंगे। तो यहाँ पर एन कितना हो गया, 2, राइट? ध्यान से देखो तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 पे, तो डिफरेंट है आयुपैक नेम, तो इसलिए यहाँ पे जी आई कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, डेट इज 2, डेट इज 4, तो यहाँ पे 4 जी आई होंगे। ऐसे आपको करना है। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जी आई शो करेंगे, ये भी जी आई शो करेंगे, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो गया, 2। अगेन इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, इधर से नेमिंग डिफरेंट होगा, क्योंकि इधर से 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे, तो अगेन जी आई की बात होगा तो 2 की पावर 2, डेट इज 4। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखो इस केस में तो यहाँ पे अगेन ये जी आई शो करेंगे, ये भी, तो n अगेन 2 हुआ, बट इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो सेम है, राइट? इधर भी 2 पे डबल बॉन्ड, इधर भी 2 पे, 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर भी 3 पे, एंड सो ऑन। तो दोनों तरफ से नेमिंग सेम आ रहा है, n 2 है, n 2 है, डेट इज इवन है, नेमिंग सेम है, तो ये वाला लगाना है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2, और ये 1 में से 1 गया तो 0, तो 2 की पावर 0 1, तो डेट इज 3, तो यहाँ पे टोटल 3 जी आई होंगे। तो ऐसे करना है जब डबल बॉन्ड वाले सिस्टम हो या सिर्फ रिंग वाले सिस्टम हो, एक रिंग को एक डबल बॉन्ड आप कंसिडर कर सकते हो, बट ध्यान रहे एन वो लेना जिसके अबाउट जी आई शो हो रहा है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो ये फार्मूला आप ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि कभी गलत भी आएगा कभी सही भी आएगा, इसलिए बेटर है आप ऐसे थिंक करें। जैसे इस केस में तो यू नो कि ये दोनों ही ग्रुप ऐसे बोर्ड के प्लेन से कुछ एंगल पे आगे अप की तरफ होंगे, तो दोनों अप होंगे या दोनों डाउन, दो एक ही बात है, राइट? और एक अप एक डाउन, तो कितना हो जाएगा, इसके 2 जी आई हो जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से आप थिंक कर सकते हो, बात समझ में आई? या तो मैं दोनों को अप रख सकता हूँ या दोनों डाउन, एक ही बात है, एक अप और एक डाउन, राइट? तो दो पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे कितने जी आई होंगे, तो मैंने नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, राइट? अब मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों को अप रख सकता हूँ या तीनों को डाउन, एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या कर सकते हैं कि 1, 2 को अप रखे या 1, 2 को डाउन ऐसा करके, तो एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर 1 और 3 को मैंने अप रखा, राइट, या डाउन, एक ही बात है, क्योंकि जो चीज़ें अप हैं आप देख रहे हो तो वो आपके लिए अप है, पीछे वाले के लिए डाउन है, राइट? और अगर वही चीज़ को घुमा दिया जाए तो पीछे वाले के लिए अप है आपके लिए डाउन है, इसलिए वो दोनों पॉसिबिलिटी सेम है, या फिर 2, 3 को अप या डाउन रखें, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो 4 आप बता सकते हो। तो इस तरीके से रिंग में आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक कर लेना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, और बाकी डबल बॉन्ड में आप ये लगा सकते हो। अगर यहाँ पे Cl की जगह अगर मैं सेम Me कर देता तो तीनों Me है, राइट? तो इस केस में आप कैसे करते, ध्यान से देखो, आइदर 1, 2, 3 अप, राइट, या डाउन, एक ही बात हो गया, दोनों सिस वाले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कैसे कर सकते थे, 1, 2 अप या फिर 2, 3 अप, एक ही बात है, 1, 2 या 2, 3 दोनों सेम ही है, तो ये दोनों से सेम ही आता, राइट? और एक क्या कर सकते हैं, 1, 3 अप, तो टोटल जी आई पूछता तो कितना हो जाता है, 3। इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करना, इसको खुद कॉमन सेंस से आपको थिंक करना है अप डाउन कर करके, और ये ईजिली हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब आप कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर सकते हो। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड कैलकुलेशंस आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट क्या है? वेरी सिंपल, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है लाइक ट्यूबलाइट हो गए जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, उसको हम पास आउट करते हैं एक निकोल्स प्रिज्म से, राइट। और निकोल्स प्रिज्म क्या है? वेरी सिंपल, आपको समझना है कि एक जैसे ये मार्कर है तो अभी मैं जितनी भी लाइट पास करूंगा ये सब रुक जाएंगी, राइट। इसको क्या करूंगा, बीच से मैं ब्रेक कर दूंगा, बहुत थोड़ा सा गैप कर देना है, तो उससे लाइट पास हो जाएंगी। कौन सी लाइट पास होंगी? जो एकदम हॉरिजॉन्टल आएंगी, राइट। तो इसलिए सिर्फ वही लाइट पास हो पाएंगी, और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, PPL शॉर्ट फॉर्म में प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। अब इस लाइट को अगर मैं इस सॉल्यूशन से पास किया और अगर उसमें डिफ्लेक्शन आता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, आइदर राइट रोटेट कर गई या लेफ्ट, तो डैट मीन्स इसमें जो भी कंपाउंड हमने ऐड किया था वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लाइट में डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वर्ड से ही क्लियर है, जैसे देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिक वर्ड जहाँ पे भी है मतलब लाइट से रिलेशन है, और एक्टिव मतलब वो सेंस कर रहा है उस लाइट को, जिंदा है वो, राइट, ऐसा समझो। और ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब डेड हो गया है, डैट मीन्स लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये तो हो गए एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो हम ये सब तो करेंगे नहीं, हमें तो मॉलिक्यूल गिवन होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं ये पूछा जाएगा, तो थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम दो चीज़ का सहारा लेंगे। एक होता है POS, डैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होता है COS, डैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको मॉलिक्यूल में चेक करना पड़ेगा कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? वेरी सिंपल, एक ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कट होना चाहिए। ध्यान रहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट कीजिए, और वो जो कट पार्ट है इक्वल वाला, वो एक दूसरे का अगर मिरर इमेज है तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, जैसे ये अल्फ़ाबेट ए लिया, तो अगर मैं उसको इस प्लेन से कट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो इक्वल पार्ट में कट हो गया, मिरर इमेज है, डैट मीन्स इसमें POS है। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं तो ध्यान से देखो, इस प्लेन से अगर मैं कट करूंगा तो इक्वल पार्ट में कट हुआ, मिरर इमेज है, तो इसमें भी POS है। बट इसको आप किसी भी प्लेन से कट कर लो, इक्वल पार्ट में नहीं कट हो पाएगा और मिरर इमेज भी नहीं होगा, तो इसमें POS नहीं है। सिमिलरली सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि मॉलिक्यूल के सेंटर पे जाकर के बैठ जाना, और वहां से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम या मॉलिक्यूल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर मैं बैठ जाऊँ तो इस दूरी पर अगर हाइड्रोजन है तो उसके जस्ट अपोजिट 180 पे यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे सेम एटम है, वैसे ही इधर भी हर डायरेक्शन में होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। एवरी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एटम है अगर इक्वल डिस्टेंस पे है वो और 180 डिग्री पे, तो हम बोलेंगे उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं थ्योरेटिकल, इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए उसमें POS नहीं होना चाहिए, कट मतलब उसमें POS नहीं होना चाहिए एंड COS भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक हो जाता है या दोनों हो जाता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ एक वर्ड आता है काइरल कार्बन, राइट। काइरल कार्बन का मतलब क्या है? एक ऐसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, डैट मीन्स डेफिनेटली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3, क्योंकि चार हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी नो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों अगर डिफरेंट होंगे तो उसको काइरल कार्बन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे OH है, Cl है, CH3 और H है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको काइरल कार्बन, और इसको स्टार से दिखाएंगे तो ये काइरल कार्बन है। इसमें अगर इसमें मैं चेक करूँ तो ये कार्बन पे ये Cl हो गया, इधर ये CH3, एक ये पूरा इथाल और एक हाइड्रोजन होगा, तो ये इसमें काइरल कार्बन है। ये सबको क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन सेम, राइट, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इसमें देखो तो ये तो Cl एक डिफरेंट हो गया, ये एक हाइड्रोजन ये डिफरेंट हो गए, बट इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसमें काइरल कार्बन नहीं है, राइट। और अगर काइरल कार्बन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर इसमें काइरल कार्बन है तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो तब आपको लगाना जब सिर्फ एक काइरल कार्बन हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकता है।
तो नाउ जो बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ कि बेटा नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए। नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास POS नहीं होना चाहिए और COS नहीं होना चाहिए। कायरल कार्बन ना भी हो तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसा बना लेते हैं माइंड में कायरल कार्बन होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। मेन कंडीशन इज कि POS एंड COS नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एक कायरल कार्बन होगा तो डेफिनेटली उसमें POS COS नहीं होगा, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल लिया हमने, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड साथ में आ रहे हैं, ये दोनों जो एटम लगे हुए या ग्रुप वो इसी प्लेन में होंगे और ये ऐसे प्लेन के अप होगा और एक डाउन होगा। तो आप इसको किसी भी प्लेन से कट करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, राइट। अगर मैं बोर्ड के प्लेन से कट करूं तो ये अप है CH3, उधर H डाउन है, राइट। तो दोनों सेम नहीं आ रहे क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें POS भी नहीं है, ध्यान से देखो तो COS भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे COS कैसे चेक कर लेते हैं, इधर CH3 इधर, नहीं मैंने क्या बोला है 180 पे लेना बेटा आपको, तो इधर CH3 है तो इधर H है, तो इसमें COS भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए जो मेजर कंडीशन है कि POS COS नहीं होना चाहिए, कायरल कार्बन ना हो तो भी चल जाएगा। हाँ, अगर कायरल कार्बन है तो वो फिर इसी को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो अगेन ये वाला भी पार्ट जो हो गया थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, टफ हो गया कि POS COS चेक करना पड़ेगा। तो आपको मैंने उससे भी बचा लिया, अभी मैं जो ट्रिक दूंगा उसमें POS COS नहीं चेक करना, डायरेक्ट उस ट्रिक से आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल शो करेगा या नहीं। नाउ ट्रिक्स जिससे आपको POS या COS चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो देखो ध्यान से, अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो तो आपको कुछ नहीं सोचना, ऑलवेज मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट। और कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं, तो बता दिया चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है तो इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा, अगर दोनों साइड से आप IUPAC नेम करें अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे वो सारे के सारे, और अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है तो फिर वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, राइट, उसके कुछ स्ट्रक्चर, और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे जिसको हम मीजो बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट सब के सब को हम बोलेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होंगे क्योंकि हाफ पार्ट लाइट को राइट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हाफ पार्ट लाइट को लेफ्ट, इसलिए कंपनसेशन की वजह से वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट वो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1, 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, इधर से भी करेंगे तो 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, दोनों तरफ से IUPAC नेम सेम आ रहा है, दो कायरल कार्बन हो गए, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी जिसकी वजह से उस केस में ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि अगर क्लोरीन अप होंगे और ये क्लोरीन डाउन होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, उस केस में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मीजो। तो कहने का यह मतलब है कि एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है डिफरेंट आयु पैक है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सेम आयु पैक है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उसमें से कुछ जो उसके स्ट्रक्चर होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, राइट। दूसरा इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आपको डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ रहा है और इवन नंबर पे, ध्यान रहे इवन नंबर मतलब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है 4, 6, 8, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और इधर वाले दोनों ग्रुप सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, और इधर वाले भी सेम नहीं है, सी नॉट इक्वल टू डी, तो ये फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, तो इसलिए इस केस में आपको सोचना नहीं है। बट अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहा है तो उस केस में ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएंगे और प्लेनर होने की वजह से ये ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इधर कुछ भी हो जाए, इसलिए इसमें GI हुआ था OI नहीं होगा, इसमें GI नहीं हुआ OI हुआ, राइट। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, डबल बॉन्ड को हम रिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगेन वही बात, अगर रिंग एक साथ में आ रही है, इवन नंबर में है, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, तो अगेन ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपका अगेन ऑड नंबर में होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, ये बल्कि ग्रुप है, इसके रिपल्सन होने की वजह से ये रिंग इस प्लेन में होगा तो ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, राइट। तो अगेन ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये फिर क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव।
क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और सी एच थ्री, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी। तो कहने का मतलब है कि पॉइंट यही है, राइट। देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड से दे सकता है, रिंग से दे सकता है, स्टेप से दे सकता है, या रिंग और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। तो ऑलवेज इवन ऑड से चलना है। इवन होगा तो पॉसिबिलिटी है, अगर एक ही साइड सेम नहीं है तो दोनों साइड चेक करना आपको, और ऑड होंगे तो आपको बोल देना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे। रिंग के केस में कैसे चेक करेंगे? तो जो भी कार्बन है, अगेन बिल्कुल इस टाइप का कंडीशन लेंगे, कायरल कार्बन चेक करेंगे। यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे मिथाइल है, इधर कोई ग्रुप नहीं लगा, इधर OH है, तो ये कायरल कार्बन हो गया और ये भी कायरल कार्बन हो गया, राइट। तो कायरल कार्बन चेक कर लेना, कायरल कार्बन है इसलिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव। डैट मीन्स इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ चेक करते हो वही यहाँ चेक करना। जैसे इस केस में अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे ये कार्बन पे मिथाइल है, इधर गए तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट कार्बन पे एक और कार्बन है, राइट। तो ये दोनों सेम नहीं हुए, तो ये भी आपका कायरल है और ये भी कायरल है, राइट। बाय द वे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आएंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल इसके जो होंगे, कुछ स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बट ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेगा, राइट। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ट्रिक से चेक कर सकते हो। नाउ नेमिंग की ट्रिक की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में दिया जा सकता है। एक बोलते हैं वेज एंड डैश, राइट। तो वो दिख जाएगा, ये डैश है, राइट, और इसमें से सपोज कर लो कि कोई एक आपका वेज पे, राइट। सिमिलरली ये वेज हो गया, ये डैश हो गया। जो थिक लाइंस होते हैं उसको वेज बोलते हैं, और जो डैश है वो डैश है, राइट। तो ये वेज डैश में आपको नेमिंग करना पड़ेगा, या फिर इस टाइप के प्लस वाले साइन से इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो ध्यान दें, जो वेज एंड डैश है वो 3D प्रोजेक्शन है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसके अकॉर्डिंग है, और फिक्स्चर जो है वो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको कन्वर्ट किया है, ये 2D प्रोजेक्शन है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेमिंग कर रहे हो उसके बाद प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज जाओगे, तो उसको बोलेंगे R, और एंटी क्लॉकवाइज तो यूज करेंगे S। व्हाट डू यू मीन बाय R? R फॉर रेक्टस होता है, S फॉर सिनिस्टर। तो पहले ये सब क्लियर होना चाहिए, राइट। क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेज डैश फिक्स्चर क्या है? ट्रिक का पॉइंट क्या है कि आपको एक वर्ड याद रखना है, डैट इज वैलिड। सिंपल है, वैलिड का मतलब क्या है कि लो प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से देखो, V फॉर वर्टिकल, L फॉर लो प्रायोरिटी ग्रुप, D फॉर डैश। अगर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप या तो वर्टिकल लाइन पे है, डैट इज फिशर में, या फिर डैश लाइन पे है, डैट इज वेज डैश में, तो उस केस में अगर क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो तो R बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल, वैलिड वर्ड में ही सब वर्ड आ गया। लो प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका वर्टिकल पे है या फिर डैश पे है, तो क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। वेरी सिंपल है, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज में रिवर्स कर देना, मतलब क्लॉकवाइज में S हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में R हो जाएगा। ये कब करना? जब आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप इसको फॉलो नहीं कर रहा हो। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, राइट। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आपको इसका RS नेमिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो कायरल कार्बन होगा उससे जो पहला एटम अटैच होगा, पहले उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे कार्बन है, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया? ब्रोमीन का, तो ये 1 हो गया। उसके बाद क्लोरीन का, तो ये 2 हो गए। उसके बाद ये ऑक्सीजन का, तो ये 3 हो गए। उसके बाद ये 4 हो गए, राइट। तो ये है प्रायोरिटी असाइन करने का मतलब, ये कर दिया। अब आपको ऑलवेज ध्यान रहे, ऑलवेज 1 से 2 जाना, 2 से 3, इग्नोरिंग 4। 4 कहाँ पे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, 1 से 2 पे जाना, 2 से 3 पे। तो ध्यान से देखो, 1 से मैं 2 पे गया और 2 से 3 पे, तो ये कैसे चल रहा है? ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब लो प्रायोरिटी चेक करो, लो प्रायोरिटी आपका किस पे है? ध्यान से देखो, डैश पे है, क्योंकि लो प्रायोरिटी मतलब 4th नंबरिंग वाला, तो ये डैश पे है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वैलिड वर्ड लग रहा है, लो प्रायोरिटी डैश पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S। ऐसे आपको करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये वाला है, तो ये आपका कायरल कार्बन है, इससे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, राइट। तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, तो 1। अब यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन हो गए, अगर पहला एलिमेंट सेम हो जाता है तो दूसरे एलिमेंट पे जाना, वो भी सेम हो जाएगा तो तीसरे पे, राइट। इस टाइप से, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2, ये 3 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में 4। अब ऑलवेज आपको कहाँ जाना? 1 से 2, 2 से 3। तो ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, इग्नोरिंग 4, राइट।
आप डायरेक्ट वन से थ्री नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते, वन से टू जाना है, टू से थ्री। आप ध्यान से देखो तो आप कैसे चल रहे हो, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, बट जो हमारा लो प्रायोरिटी ग्रुप है डेट इज फोर्थ वाला, वो आपका डैश पे नहीं है, तो वही हमने बोला फिर अदरवाइज में क्या कर देना रिवर्स। तो ये हमें क्लॉक वाइज जा रहा था राइट, तो इसको क्या होना चाहिए था आर, लेकिन ये क्या होगा एस, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो लो प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश पे नहीं है, तो ये हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं राइट, क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो क्या लेना था आर, लेकिन अभी उसका उल्टा करेंगे, तो ऐसे करना आपको वेज डैश में, क्लियर है। एक से ज़्यादा भी होंगे तो सेम वैसे ही करना है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो वही सेम पॉइंट, ये कायरल कार्बन हो गया, तो यहाँ पे ये क्लोरीन तो वन, ये ऑक्सीजन को दो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ये थ्री और ये फोर, ओके। ऑलवेज इसमें भी वन से टू, टू से थ्री पे जाना, तो ध्यान दें आप ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले कौन मिल जाएगा थ्री, हमें वन से टू पे जाना, इग्नोरिंग फोर, फोर बीच में आ गया तो उसका मतलब नहीं, तो वन से हमने यहाँ टू पे आया मैं, और टू से यहाँ थ्री पे, तो ये कैसे जा रहा हूँ मैं क्लॉक वाइज, और जो मेरा लो प्रायोरिटी है दैट इज फोर्थ नंबर वाला, वो वर्टिकल पे है, वैलिड है, तो मैं क्लॉक वाइज जा रहा हूँ, तो इसलिए क्या बोलूँगा इसको आर, क्लॉक वाइज में फिर आर, सेंट्रल रेलवे से याद रख सकते हो सी आर, क्लॉक वाइज तो आर राइट, चूँकि वर्टिकल पे है वो। इस केस में अगर मैं चेक करूँ तो ध्यान से देखो, क्लोरीन को आप दोगे वन राइट, ऑक्सीजन को दोगे टू, ये कार्बन को थ्री और ये फोर राइट, हमें ऑलवेज वन से टू, तो ऐसे जाना पड़ेगा वन से टू फिर टू से थ्री राइट, इग्नोरिंग फोर, फोर से कोई मतलब नहीं है, तो आप कैसे चल रहे हो ध्यान से देखो, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज तो आप चल रहे हो, बट आपका लो प्रायोरिटी वर्टिकल पर नहीं है, तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहा था तो एस होना था, लेकिन रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा आर, इस तरीके से आपको करना है बेटा, समझ गए बात। नाउ ट्रिक्स फॉर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एन काउंट कर लेंगे, वेयर एन इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर राइट, उसमें कितने कायरल सेंटर है, उसके बाद आप उस मॉलिक्यूल का दोनों साइड से नेमिंग करेंगे, अगर आयू पैक नेमिंग डिफरेंट आ रहा है तो टू की पावर एन हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, अगर आयू पैक नेम सेम आ रहा है तो फिर आपको देखना है कि एन की वैल्यू कितना है, अगर इवन है तो टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन बाई टू माइनस वन, अगर ऑड है तो टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बाई टू, तो इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। अभी मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, ध्यान रहे रिंग के केस में ये फार्मूला ना लगाए तो बेटर है, क्योंकि गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है लॉजिकली थिंक करना है, लॉजिकली इन द सेंस आपको जीआई कैसे ड्रॉ करना है वो बता रखा हूँ जीआई वाले वीडियो लेक्चर में, फिर वहाँ से आपको ओआई थिंक करना है वाया कि चेक करना है कि उसमें पीओएस या सीओएस तो नहीं है, तो कैसे वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल हमने लिया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो ये कायरल है ये भी कायरल है राइट, दोनों तरफ से नेमिंग सेम नहीं आएगी, तो एन कितना हो गया इसका टू, तो इसलिए ओ आई कितना हो जाएंगे टू की पावर टू डैट इज फोर। ऐसे केस में नेमिंग कैसे करेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है, अगर आप इस कार्बन का कर रहे हो तो इसके चार ग्रुप कौन है, ये है एक हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये सी एच थ्री, तो ध्यान से देखो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा फ्लोरीन वन एटॉमिक नंबर में, उसके बाद इधर आएंगे तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बट यहाँ पे कार्बन पे बड़ा वाला जो लेंगे वो लेंगे जो सबसे बिग होंगे, तो इसलिए इधर क्या मिल जाएगा इसको टू, फिर ये हो जाएंगे थ्री और ये फोर, आपको क्या बोला था वन से टू, टू से थ्री, तो कैसे जा रहे हो आप ध्यान से देखो क्लॉक वाइज, बट आपका जो लो प्रायोरिटी है वो कैसा है हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे नहीं है, तो क्लॉक वाइज तो आर होना था लेकिन क्या हो जाएगा एस, तो इसका क्या रहेगा एस, तो करेंगे। फिर अगर मान लो मुझे इसका करना हो तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो बी आर को वन मिलेगा राइट, जो जो इसके ग्रुप होंगे, इधर सी एल को आपको टू मिल जाएगा, इधर ओ है जबकि इधर कार्बन है राइट, पहला जो एलिमेंट अटैच होगा तो इसको थ्री मिलेंगे और ये वाले को फोर मिल जाएगा राइट, समझ के बाद। अब आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो वन से टू, टू से थ्री, तो ऐसे जाना पड़ेगा वन से टू, टू से थ्री, इग्नोरिंग फोर, तो आप कैसे जा रहे हो ध्यान से देखो क्लॉक वाइज, और लो प्रायोरिटी आपका वर्टिकल पे है, तो क्लॉक वाइज तो क्या हो जाएगा आर, तो इसलिए ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा आर, तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो कैसे करना वो भी आपको समझा दिया। अब जैसे इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट दोनों तरफ से नेमिंग सेम आएगा राइट, तो एन कितना हो गया आपके लिए टू, बट नेमिंग सेम आ रहा है, तो एन टू है तो मतलब क्या हो गया इवन, तो इवन में ये फॉर्मूला लगाना है, तो टू की पावर टू माइनस वन प्लस टू की पावर टू बाई टू माइनस वन, तो ये कितना हो गया टू की पावर वन, टू की पावर जीरो, तो कितना हो गया थ्री, तो इसमें तीन ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे राइट, जिसमें से एक ये होंगे, एक इसका मिरर इमेज होगा, और एक जो आप ये वाला बनाओगे तो ध्यान से देखो इसी में वो पी ओ एस आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री,
तो ये प्लेनोसोमेट्री आ गया, तो इसी को बोलते हैं मीजो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे केस में आपको ये करना है। रिंग के केस में कैसे करना है, तो आपको समझाया कि आपको क्या करना है, फिर पहले जी आई थिंक करना है। तो इसका जी आई हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है अगर ये दोनों अप में हो गए, दोनों ही अगर मान लो अप में होते, राइट, ये सी एस थ्री भी, तो ये आपका सिस या ट्रांस जो भी होता, तो अगर दोनों अप में है, तो अगर मैं मान रहा हूँ सिस, और एक कंडीशन क्या होता कि ये किसी एक को डाउन में कर दो, किसी एक को अप में कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या आपका ट्रांस, राइट। तो ये क्या हो गया आपके ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे एक और दूसरा कौन है, अगर ये अप में है तो हाइड्रोजन आपका डाउन में, और ये अप में है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाउन में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सेम साइड है तो सिस, यहाँ पे ये डाउन में तो हाइड्रोजन आपका अप में, और ये अप में तो हाइड्रोजन आपका डाउन में, तो उस वजह से ट्रांस। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना जी आई, वो ईजी है। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इस प्लेन से कट करोगे तो सी एस थ्री के सामने ओ एच आ रहा है, तो पी ओ एस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे, और सिमिलरली इसमें भी नहीं आएगा आपको, राइट, तो ये भी क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं तो ये होते हैं खुद और इसका मिरर इमेज, राइट, तो दो हो जाएंगे, ध्यान रहे दो कैसे, एक ये खुद एक मिरर इमेज, वैसे ही ये खुद और मिरर इमेज, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो कितना हो जाएगा आपको 4। ध्यान दें इसमें जी आई ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर पूछे तो वो भी हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने जी आई काउंट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बेटा सब कुछ को डिस्कस कर दिया, आपको सारे ट्रिक दे दिए, आप सारे पी वाई की को इस पर बेस्ट सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।